गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत में शुक्रवार को एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आग लगने में अब तक की 21 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि मरने वालों में से एक कोचिंग सेंटर की 15 लड़कियां और 3 लड़के शामिल हैं। सभी की उम्र 15 से 22 साल के बीच बताई जा रही है और घटना के समय आर्ट्स कोचिंग में 60 बच्चे थे। जानकारी के अनुसार चौथी मंजिल से कूदे 13 बच्चों को लोगों ने नीचे कैच करके बचाया, लेकिन 3 बच्चों को नहीं बचा पाए। कोचिंग के संचालक को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दमकल की गाड़ियां आग लगने के आधे घंटे के बाद मौके पर पहुंची, लेकिन उस वक्त उनके पास जरूरी उपकरण भी नहीं थे। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जिस वक्त बच्चे इमारत से छलांग लगा रहे थे, उस वक्त दमकल सामने खड़ी थी, लेकिन उनकी सीढ़ियां ऊपरी मंजिल तक नहीं पहुंच पाई। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने हादसे पर दुख जाहिर किया। उन्होंने बच्चों के परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है और साथ ही कहा कि एक दिन के भीतर हादसे की जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। आपको बता रहे सूरत में बेहद दर्दनाक हादसा। पीएम मोदी और राहुल गांधी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है और सीएम विजय रूपाणी ने इस पूरे हादसे की रिपोर्ट मांगी है। एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में यहां आग लगने का मामला सामने आया है, जहां पर बच्चों ने मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाई।